तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। कोई ज्यादा नई धुन नहीं है, वही पुरानी धुने हैं। कह रहे मुंबई वाले भैया हो, किसी ने कहा लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, और बना लो कोई खूबसूरत बहाना। मोनू भैया बना लो कोई खूबसूरत मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। कहा खुशी कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, और दो कदम में तो चल नहीं सकती मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई मेरी, नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसू भगवान श्री राम जी के कहने से हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेने के लिए जाते हैं। विद्वानों कमेटी वाले से निवेदन है, नेक शांति बना रखो। बस हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेकर के अयोध्या पर होकर के जा रहे हैं। भरत जी ने समझा कोई राक्षस जा रहा है। भरत जी ने हनुमान जी पर भार छोड़ दिया। हनुमान जी राम राम कह करके जमीन पर गिर गए। जैसे ही राम का शब्द भरत जी ने सुना, देखा अरे ये तो कोई राम का भक्त है। भरत जी हनुमान जी के पास में आए, आकर के बोले भैया आप कौन है, आपका परिचय क्या है। तो हनुमान जी ने कहा हनुमान हूं, सीता माँ का हरण करके ले गया है वो पापी रावण। मेघनाथ से युद्ध करते करते भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है। आहा, जब इतना सुना कि लक्ष्मण की शक्ति लगी है, विद्वानों तीनों माताओं को बुला लिया गया। जैसे ही सुमित्रा माँ ने यह सुना कि मेरे बेटे लक्ष्मण की शक्ति लगी है, पैरों तले जमीन निकल गई। आहा, मां सुमित्रा बजरंग बली से कह रही है कि भगवान देखे उस मां का त्याग राम के प्रति।
वो कह रही है कि हे बजरंगी, मेरा आपसे एक निवेदन है, और वो राम से जाकर के कहना। और सुनिए, उस माँ ने राम हनुमान जी से कहा, क्या भैया, क्या बजरंग बली से, वो माँ कह रही है बजरंग बली से सुमित्रा माँ बोली, क्या कह रही है, हे बजरंग बली से सुमित्रा माँ बोली, क्या बोली, हे संदेश मेरा सुनो, हे संदेश मेरा सुनो, राम को सुनाना। और कह रही है कि मेरा बेटा मर गया तो मर जाने दे, मगर एक काम करना, और अगर लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो सभी से सुमित्रा माँ के लिए तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा, कह रही है, हाय बजरंग बली से सुमित्रा माँ बोली, हे संदेश मेरा सुनो, राम को सुनाना। और मेरा लक्ष्मण मर गया तो मर जाने दे, मगर एक काम करना, वो क्या, बिना अरे बिना जानकी के पाकिस्ना, बिना जानकी के पाकिस्ना। भेज दूंगी से बामी राम दूजा बेटा, मेरे दोनों बेटे मर जाए मुझे इस बात का गम नहीं है, गम है तो मुझे केवल किस बात का, मर दोनों चाहे मरना। कह रही है, हे बेटा राम, मर दोनों चाहे मरना, आंसू बहाना, क्योंकि मुझे इतने अपने बेटे प्यारे नहीं है जितने मेरे राम के आंसू प्यारे हैं मेरे लिए। धन्य उस माँ के लिए, आज सुमित्रा माँ कह रही है, मर दोनों चाहे मरना, मर दोनों चाहे मरना, आंसू बहाना। और बेटा राम, बिना अरे बिना जानकी के अयोध्या न आना, बिना जानकी के वापस न आना। और विद्वानों, जब सुमित्रा माँ की इतनी बातों को कौशल्या माँ ने सुना, तो कौशल्या माँ कह रही है कि बजरंगी, ये सुमित्रा तो राम के प्यार में पागल है, ये सुमित्रा तो राम के लिए अपने प्राणों को भी दे सकती है, मगर मेरा भी एक छोटा सा निवेदन है, वो राम से जाकर के कहना। अब देखिए कौशल्या माँ बजरंग बली से कह क्या रही है, भैया कहा, क्या सुमित्रा की गोदी, क्या सुमित्रा की गोदी में है लाल दूजा, हे राम, अरे सुमित्रा की गोदी में दूजा। और लक्ष्मण मर कैसे सकता है, क्यों, क्योंकि ना व्यर्थ जाएगी, ना व्यर्थ जाएगी उर्मिला की पूजा, उसने भी तो त्याग किया है,
वो भी तो 14 वर्षों से त्याग कर रही है, तो लक्ष्मण कैसे मर सकता है? कह रही है सुमित्रा की गोदी में है लाल दूजा, ना व्यर्थ जाएगी उर्मिला की पूजा। पर बेटा राम देव कहीं खो न देना उसकी, क्या कहीं खो न देना उसकी खुशी का खजाना, क्योंकि उर्मिला के लिए जो कुछ भी है वो लक्ष्मण ही तो है। तो कहा कहीं खो न देना उसकी खुशी का खजाना। और देखिए अगर कौशल्या माँ की बात अच्छी लगे तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। अब कौशल्या माँ कह रही है बेटा राम कहीं खो न देना उसकी खुशी का खजाना, पर बिना अरे बिना लक्ष्मण के वापस न आना, बिना लक्ष्मण के वापस न आना। अब लास्ट में बारी आती है केकई की। केकई शांत खड़ी है। बजरंगबली ने कहा माँ आप भी कुछ कहना चाहती है प्रभु श्री राम से? तो केकई कह रही है हे बजरंगी जो कुछ भी हुआ है सब मेरे ही कारण तो हुआ है, ना मैं दो वरदान मांगती, ना राम वन को जाते, ना सीता का हरण होता, ना लक्ष्मण की शक्ति लगती। जिस दिन से मेरा राम वन को गया है उसी दिन से किसको सुनाऊं, मैं तो अपने मन की भी बात किसी से कह नहीं सकती। क्या कहा किसको सुनाऊं जो दुख में ये झेले, क्या किसको सुनाऊं जो दुख में ये झेले, और मेरे जीवन के अरे गए तीनों गए चारों गए चारों आराम न आना केले, क्योंकि तीनों वन को चले गए और हमारे स्वामी भी हमें छोड़ करके चले गए। अगर मैं अपने वरदान नहीं मांगती तो आज मेरा सुहाग उजड़ता नहीं। तो कह रही है गए चारों आराम न आना केले। अब केकई ने कहा बेटा राम अगर